कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इसलिए एक बहुत गंभीर लड़ाई आज जो देश में चल रही है, वो गंभीर लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है, केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है, वो देश की स्मिता की रक्षा, देश में जो प्रजातंत्र है उसकी रक्षा की लड़ाई में बदल चुकी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी इसमें विश्वास रखते हैं कि देश में प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए, उनको इकट्ठे आने की ज़रूरत है। ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज, उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे, तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहाँ पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की ज़रूरत है। बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सत्ता में वापस आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस थंपिंग मेजॉरिटी को और थंपिंग बनाए, और बंगाल से एक संदेश जाए पूरे देश में कि देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं उसको देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा।